ओके देखो हम लोग चालू करते हैं। देखो आज चार टॉपिक है अपने, एक तो मोलार रेट कैपेसिटी, एक मेयर्स रिलेशन, देखो यार थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक इंटरनल एनर्जी। ठीक है तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला टॉपिक है अपना, वो है मोलार हीट कैपेसिटी। मोलार हीट कैपेसिटी, देखो यार अब एक चीज तुम सब ध्यान से देखो। मान लो कि तुम्हारे पास कोई कंटेनर है, मान लो जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे। मान लो आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें एन नंबर ऑफ मोल्स है, और मान लो मुझे इस कंटेनर का टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 करना है। मतलब मुझे कितना टेम्परेचर चेंज करना है, T2 - T1। T2 मतलब बाद का टेम्परेचर, T1 मतलब पहले का टेम्परेचर। तो तुम मुझे बताओ, एक कंटेनर में गैस भरी है और मुझे उस कंटेनर का टेम्परेचर T1 बहुत से बढ़ा के बनाने कितना वाले। करना है, मुझे कितना करना है T1 से बढ़ा के T2 करना है, तो बताओ मुझे कितनी हीट सप्लाई करने की पड़ेगी। देखो तो ये वाला फॉर्मूला तुम सब याद रखना कि आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला होता है NC ΔT। क्या फॉर्मूला होता है? NC ΔT। वापिस से ध्यान से सुनना, आपके पास एक कंटेनर है और मान लो कि उस कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस भरी हुई है जिसके कितने मोल्स हैं, जिसके एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, और मान लो मुझे टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 करना है, तो बताओ मुझे कितना टेम्परेचर चेंज करना है T2 - T1, तो मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला हो जाएगा एन मतलब कितने मोल्स हैं, C ΔT। अब यहाँ पे सी का क्या मतलब है, तो यहाँ पे सी का मतलब होता है मोलार हीट कैपेसिटी। यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है, मोलार हीट कैपेसिटी। देखो अगर तुम सबको मेयर्स रिलेशन अच्छे से समझना है तो तुम सबको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन सा? ΔQ = NC ΔT। तो ΔQ का मतलब क्या होता है, ΔQ का मतलब होता है हीट सप्लाइड। ΔQ का मतलब क्या होता है, ΔQ का मतलब होता है हीट सप्लाइड, है ना। तो देखो आज के अपने क्या क्या टॉपिक्स हैं, एक मोलार हीट कैपेसिटी, एक मेयर्स रिलेशन, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मोलार हीट कैपेसिटी। तो मोलार हीट कैपेसिटी क्या होती है, ध्यान से देखना। कोई कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है, कितने मोल्स हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, पहले टेम्परेचर T1 है, आपको बढ़ा के T2 करना है, तो आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना है T2 - T1, तो आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, NC ΔT। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, सी का मतलब होता है मोलार हीट कैपेसिटी, और ΔT का मतलब होता है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो आप मुझे बताओ सी की यूनिट क्या होगी। देखो सी का फॉर्मूला क्या है, ΔQ / NΔT। देखो सी का फॉर्मूला क्या है, ΔQ और NΔT को नीचे भेजो, तो हीट की यूनिट तो क्या होती है, जूल। नंबर ऑफ मोल्स की क्या होती है, MOL, और टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। J/mol Kelvin लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये आपकी सी की ऐसा यूनिट है, क्या हो जाएगी, J/mol Kelvin लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। कोई डाउट है इसमें तो अब तुम मेरे से पूछ सकते हो यार एक बार। सर इसका कोई फॉर्मूला, सॉरी डेफिनेशन, हेलो, डेफिनेशन? यस सर। हाँ, 2 मिनट लिख पा रहा हूँ, एक बार फॉर्मूला लिख ले। देख एक बार तो हीट सप्लाई का फॉर्मूला लिख ले, फिर सी की ऐसा यूनिट लिख ले, है ना, उसके बाद मैं तुम्हें इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है तो सब अपनी कॉपी में मोलार हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिख लो कि इट इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस by 1 केल्विन। देखो तो मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मोलार हीट कैपेसिटी, तो इट इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस by 1 केल्विन। ठीक है ये इसकी डेफिनेशन है। हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NC ΔT, कितने मोल्स हैं इंटू कितनी मोलार हीट कैपेसिटी है इंटू कितना टेम्परेचर आपको चेंज करना है। सी की ऐसा यूनिट क्या होती है,
जूल अपॉन मोल केल्विन। देख लो विराग द्विज, तुमने अभी ज्वाइन किया बेटा, ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। एक्चुअली मुझे एक न्यूमेरिकल कराना है, तो पहले न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं। तो सब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी कॉपी में। फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस बाय 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको सी दे रखा है 40 जूल अपॉन मोल केल्विन। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन यह है कि फाइंड हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब आपको कितनी एनर्जी चाहिए टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस। कितनी ग्राम है, 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस। जिसको नहीं पता है तो हाइड्रोजन गैस का जो मोलार ग्राम होता है वो 2 ग्राम होता है, बाय 27 डिग्री सेल्सियस, और सी आपको दे रखा है 40 जूल अपॉन मोल केल्विन। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। कितना आएगा देखो, तो डेल क्यू का फॉर्मूला क्या था रोहन, ध्यान से देखना। फॉर्मूला होता है एन सी डेल टी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोलार हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास कितना है देखो 20 ग्राम, मोलार मास कितना है 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया देखो 10 आ गया। सी की वैल्यू कितनी है देखो 40। अब चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना चेंज किया देखो 27। ये नहीं कि इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे क्या देखा है टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस बाय 27 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने पूछा है कि भैया टेम्परेचर कितना चेंज किया, तो कितना चेंज किया 27 डिग्री चेंज किया। तो जो भी आंसर आ रहा है ये आपका जूल में आ गया, ये इसका आंसर है। तो तुम सबको समझ में आया कि जो अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है या घटाना है तो आपको क्या सप्लाई करनी पड़ती है, हीट। उस हीट का फॉर्मूला तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कितने मोल्स है, कितनी मोलार हीट कैपेसिटी है, और कितना टेम्परेचर चेंज करना है। आया समझ में कोई डाउट इसमें? सर हाँ पूछो। हाँ सर, इसमें टेम्परेचर केल्विन में क्यों नहीं किया? अरे ये डेल्टी है बेटा, मैंने बोला है कि देखो टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 27 डिग्री। जैसे मान ले कि तेरा टेम्परेचर पहले था 300 डिग्री, मान ले तुझे करना है 327 डिग्री, तो ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर को तो अपने को भाई केल्विन में और सेल्सियस में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है सर? ये डेल्टी है बेटा, टी नहीं है। खाली टेम्परेचर होता तो पक्का मैं बोलता केल्विन में कन्वर्ट करूं, ये चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज को कन्वर्ट ही करते हैं ना। अच्छा अब ध्यान से सुनो यार, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में अगर तुम सब भूल गए हो तो। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, देखो यार सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा, मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है। तो कितनी एनर्जी होती तुम मुझे बताओ, मान लो किसी कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है, तो आइडियल गैस के अंदर क्या होंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे भैया, पार्टिकल्स वगैरह। तो तुम मुझे बताओ दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे तुम चाहे मैं या कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज के पास खाली दो ही चीज होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल है उन सबकी काइनेटिक और पोटेंशियल को प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाती है, इंटरनल एनर्जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू एफ आर टी। एन मतलब नंबर ऑफ मोल, तुम सबको पता है, आर मतलब 8.314, टी। अब देखिए यहां पे देख कुशाग्रह, यहां पे डेल्टी नहीं है बेटा, टी है, टी टेम्परेचर, मतलब ये तुझे केल्विन में लेना है, ठीक है? और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको सेल्सियस में दे रखा है तो सेल्सियस प्लस 273 किस में आ जाता है, केल्विन में। तो यहाँ पे एफ का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मैं तुम्हें अभी दो मिनट बाद पढ़ाने वाला हूँ, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। यहाँ पे एफ का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ अभी। पहले इंटरनल एनर्जी का मतलब लिख लो, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। एक सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं उन सबकी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या बन जाता है, इंटरनल एनर्जी बन जाता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 FRT, देख लो अपनी कॉपी में।
ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर आपका, आर की तुमको नहीं पता है तो 8.314, टी आपका टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो एक बात को, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो तुम मुझे बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, मतलब दुनिया में कोई भी पार्टिकल, मान लो तुम किसी भी पार्टिकल के पास तीन तरीके की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। मान लो या तो पार्टिकल चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो एक तो चलने वाली काइनेटिक एनर्जी, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल। मान लो एक बंदा घूम रहा है, क्या कर रहा है, अपनी जगह पे पड़े पड़े घूम रहा है, ये डांसर लोग नहीं होते हैं, वो घूमते रहते हैं एक ही जगह से अराउंड घूमते रहते हैं, तो एक होती है रोटेशनल। तो एक इंसान के पास तीन तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल चलने वाली, रोटेशनल घूमने वाली, या फिर तुमने देखा है पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह, वाइब्रेट करते हैं, तो एक कौन सी जाती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो किसी भी चीज के पास तीन तरीके की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या, लिखो अपनी कप में, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव काइनेटिक एनर्जी। किसी भी सिस्टम के पास कितने तरीके की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल का मतलब चलने वाली, और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तीन, क्योंकि मान लो एक पार्टिकल एक्स वाई जेड तीनों में चल रहा है, तो तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। एक होती है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तीन, और एक होती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, छह। देखो इसका एक रीजन है, जब पार्टिकल चलता है और जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो होता क्या है, वाइब्रेट करने वाली काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल रोटेशनल से कहीं ज्यादा होती है, तो ट्रांसलेशनल में जहां तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, वहीं वाइब्रेशनल में कितने होते हैं, छह। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो पार्टिकल एक्स में चल रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें खाली एक लेना है कि भैया एक्स में चल रहा है, लेकिन मान लो पार्टिकल एक्स में वाइब्रेट करना है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए दो लेना है, क्योंकि वाइब्रेशन वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ट्रांसलेशनल वाली कम होती है। तो कोई भी तुम्हें पूछे, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको मतलब समझ में आया कि भैया किसी भी पार्टिकल के पास कितनी तरीके की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ पार्टिकल कैन हैव काइनेटिक एनर्जी, और ये तीन तरीके की होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ठीक है, तो अब एक चीज तुम सब ध्यान से सुनना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लो मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक का मतलब पता है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन लेते हैं, और ये तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल है। लेकिन जैसे मान लो तुम्हारे डाई एटॉमिक हो गए, डाई एटॉमिक जैसे मान लो एन टू हो गया, एच टू हो गया, ओ टू हो गया, तब दो केस है। अगर मान लो टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पांच ले दें, पांच में तीन तो ट्रांसलेशनल है, दो रोटेशनल है। लेकिन मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सात लेने, तीन ट्रांसलेशनल, दो रोटेशनल और दो वाइब्रेशनल। और ये मान लो आपके पास पॉली एटॉमिक गैस है, कौन सी, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक जैसे तुम मुझे बताओ अमोनिया, जैसे NH3, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 6+X। एक्स का मतलब मैं नहीं, देखो मोनो एटॉमिक में खाली तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीनों कौन से, ट्रांसलेशनल चलने वाले, डाई एटॉमिक में लो टेम्परेचर पे पांच है, उसमें तीन चलने वाले, दो घूमने वाले, हाई टेम्परेचर पे सात है, तीन चलने वाले, दो घूमने वाले, दो वाइब्रेट करने वाले। लेकिन जो पॉली एटॉमिक गैस होती है ना, जैसे अमोनिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें ये छह तो पक्का है, ये छह पता है कौन से, ये छह है, तीन ट्रांसलेशनल, तीन रोटेशनल। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे यार, वो मैं नहीं कह सकता, तो वाइब्रेशनल के ब्रैकेट में लिख लेना डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाते हैं। तो कितने होंगे अपन नहीं कह सकते, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ट्रांसलेशनल तीन होते हैं, रोटेशनल भी तीन होते हैं, वाइब्रेशनल छह होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक में तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं,
डायटोमिक में लो टेम्परेचर पे 5, हाई टेम्परेचर पे 7, पॉलीएटोमिक में 6 तो पक्का होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, प्लस एक्स लिखा मैंने, ये कौन से हैं, वाइब्रेशनल वाले, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, इसमें कोई डाउट है तो अब तुम मेरे से पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो किसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी, मोलार हीट कैपेसिटी इनमें में कोई डाउट है तो अब तुम मेरे से पूछ सकते हो। कृष भाई, वर्षित भाई, तुम लोग शायद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो एक बार पहले समझ लेना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो है क्या, क्योंकि मेयर्स रिलेशन वहीं से आता है ना, और मेयर रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद डिराइव कराऊंगा मैं, एक बार लिख लेना पूरा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब सब हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहले एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जिनको ये टॉपिक नहीं आता है वो भी समझ जाएंगे। सॉल्व, फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ O2 गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। 127 मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूं, मान लो हाई टेम्परेचर है। देखो U का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा हाँ, नंबर ऑफ मोल्स मान लो आपको 2 दे रखे हैं, तो N बाय 2 FRT होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 2 बाय 2। यानी हाई टेम्परेचर पे डायटोमिक के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 7। R को R दे दो, यहां पे टेम्परेचर केल्विन में लेना है, तो 127 का कितना हो जाएगा, 400। तो 2 से 2 चला गया, 7 4 28, तो आंसर कितना आ गया, 2800 R, है ना। और अगर आपको यूनिट पुट करनी है तो R की वैल्यू पुट कर दो, 8.3, तो वो आ जाएगा आपका यूनिट, आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, लिख लो अपनी कॉपी में। और हाँ एक चीज तुम याद रखना, मैंने दिखा है, हाँ ये मैंने पहले पढ़ाया, मुझे पता है तुम्हें, पर वो आगे वाला टॉपिक इससे रिलेटेड है। तो देखो 1 कैलोरी, अगर तुम मान लो एग्जाम में कैलोरी मिल जाता है, तो 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, ठीक है, जैसे कन्वर्ट कर लेना, घबराना मत कि सर कैलोरी जूल तो पता ही नहीं हमें, लिख लो। ठीक है, अब लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट लिखो मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लो कि हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलार हीट कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये टॉपिक समझने से पहले सब एक बार साइड में, तुम सबको यू का फॉर्मूला पता है, एन बाय टू एफ आर टी। तो मैं पूछू बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, देखो एन तो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर। तो कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है कि भैया कितना टेम्परेचर चेंज होगा। तो टॉपिक है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब जिसने फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ा है तो देखो एक बार समझ लेना, तो ये एक मैंने फर्स्ट लॉ लिखवाया था, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू का मतलब है कि भैया आपने कितनी हीट सप्लाई करी, डेल यू का मतलब है कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, डेल डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन। पर आप मुझे बताओ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे या वॉल्यूम घटाओगे तभी वर्क होगा, याद है आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वर्क डन तो जीरो। तो डेल क्यू किसके बराबर आ गया, डेल यू के। अब तुम मुझे बताओ डेल क्यू, मैंने तुम्हें आज क्या पढ़ाया, एन सी डेल टी पढ़ाया, पर यहाँ पे वी पुट कर दो, सी वी का मतलब है मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि अभी अपन क्या कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। और डेल यू का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, एन बाय टू एफ आर डेल टी, देखो इधर लिखा हुआ है, तो डेल टी से डेल टी गया, एन से एन गया, तो आपका सी वी किसके बराबर आ गया, एफ अपॉन टू आर के, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, मोलार हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन टू आर, लिख लो अपनी कॉपी में।
लिख लो, सीवी का मतलब होता है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एफ अपॉन टू आर, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, सीवी का मतलब है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, किसी को इसमें कोई डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। तो तुम सब एक क्वेश्चन का मुझे आंसर करो, सब एक क्वेश्चन का, ठीक है? ये लिख लिया सबने, छोटा सा है लिख लिया होगा यार तुम लोगों ने, सीवी फॉर O2 गैस एट हाई टेम्परेचर इज, चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, 3/2 R, 5/2 R, 7/2 R, 9/2 R, करो ट्राई करो जल्दी करो। करो करो जल्दी करो वे। सही है शेष भाई, जल्दी। सीवी क्या लिखवाया मैंने, एफ अपॉन टू आर, हाई टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होते तो 7/2 R, ये इसका आंसर। आया तुम सबको समझ में? चलो यार अब सीपी निकालते हैं। नेक्स्ट लिखो, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं सीपी। देखो ये कैसे निकालेंगे, तो तुम में से जिन लोगों को नहीं पता है तो वर्क डन, याद है वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस क्या लिखवाया था मैंने, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, याद है आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन होता है, जिसको नहीं पता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम मतलब PV2 - PV1, ओपन करो तो, और PV2 क्या हो जाएगा, NRT2, PV1 NRT हो, याद है PV NRT, तो NR कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, T2 - T1, और T2 - T1 होता क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जिसको नहीं पता है तो ये आइसोबारिक प्रोसेस। तो भैया अगर तुम्हें आइसोबारिक प्रोसेस भी नहीं पता तो आइसोबारिक का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, PV2 - PV1, PV2 - PV1, PV2 होता है NRT2, PV1 NRT1, तो LR ΔT। तो वापस अपन फर्स्ट लॉ पुट करते हैं, ΔQ = ΔU + ΔW, ठीक है? किसके लिए अपन पुट कर रहे हैं, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। पहले अपन ने किसके लिए पुट करी थी याद है उसमें, तो वो थी आइसोकोरिक, तो अगर जिसको नहीं पता है तो आइसोकोरिक के लिए भी। अब मुझे बताओ डेल क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, NCP ΔT, क्योंकि हीट कब सप्लाई कर रहे हैं अपन, कांस्टेंट प्रेशर पे। डेल यू का फॉर्मूला तो फिक्स है, N/2 FR ΔT, और वर्क डन अभी देखो लिखवाया मैंने NR ΔT, ये रहा ये रहा, देखो एन 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 गया, ΔT 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 गया, तो सीपी का फॉर्मूला क्या आया, F/2 R + R। पर अगर तुम भूल गए हो तो सीवी क्या लिखवाया था मैंने, F/2 R, तो सीपी किसके बराबर आ गया, CV + R के, इसको बोलते हैं हम मेयर्स रिलेशन। तुम लोगों ने शायद ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा है ना, ये फिजिक्स में यहाँ पे आता है, KTG में, काइनेटिक थ्योरी में, CP = CV + R, लिख लो अपनी कॉपी। देख लो लिख लो भाई साहब, किसी को कोई डाउट है इसमें तो अब तुम मेरे से पूछ सकते हो यार। ओके कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। देखो एक ये रिलेशन याद रखना, गामा वो होता है CP / CV, सीपी सीवी की वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 1 + 2/F, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपका गामा आ जाएगा।
ठीक है, तो तुम्हें देखो क्या क्या याद रखना है, सी वी एफ बाय टू आर, सी पी होता है सी वी प्लस आर, ठीक है, मतलब इसमें आर पुट करोगे सी पी आ जाएगा, और गामा क्या हो जाएगा, वन प्लस टू बाय एफ। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक टेबल बनवा रहा हूं, उस टेबल को तुम अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे बुक के तीन चार पेजेस को मैं एक ही टेबल में लेके आ रहा हूं, ताकि तुम्हें रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, तो देखो अगर अपन बात करते मोनो एटॉमिक गैस की, तो मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये सीवी है, ये सीपी है, ये गामा है, तो आप मुझे बताओ मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन थे, तो सीवी थ्री बाय टू आर हो जाएगा, और सीपी सीवी प्लस आर होता है, तो ये हो जाएगा फाइव बाय टू आर, और गामा सीपी बाय सीवी होता है, तो ये हो जाएगा फाइव बाय थ्री। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब आप मुझे बताओ डायटोमिक गैस लो टेम्परेचर, ये पांच, तो फाइव बाय टू आर, सेवन बाय टू आर, सात बटा पांच, फिर डायटोमिक गैस हाई टेम्परेचर सात, तो सेवन बाय टू आर, ये नाइन बाय टू आर, ये हो जाएगा नौ बटा सात, फिर पॉलीएटॉमिक गैस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिक्स प्लस एक्स, तो हो जाएगा सिक्स प्लस एक्स अपॉन टू आर, और सीपी क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस एक्स अपॉन टू आर प्लस आर, और यहाँ पे गामा निकालना पड़ेगा सीपी बाय सीवी करके। लिख लो अपनी कॉपी में सबके सीपी सीवी डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा, तुम्हें याद रखने, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लिया सबने, तो मैं फॉर्मूले सबको याद है, ये एफ होता है सीवी का एफ अपॉन टू आर होता है, सीपी का सीवी प्लस आर मतलब एफ बाय टू आर प्लस आर, और गामा होता है सीपी अपॉन सीवी। ठीक है, बस दो चीजें और बाकी है, फिर अपन ऑफलाइन क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना, और तुम में से किसी को अगर ऑनलाइन क्लास ही कंटिन्यू करनी हो बताया ना, मेरी कल चलती वैसे भी ऑनलाइन क्लास, है ना, वरना हो सके तो ऑफलाइन आ जाना, वैसे तो मुझे कुछ है नहीं, बाकी पता पड़ जाएगा कल कि कुछ है कि नहीं। ठीक है, तो एनीवेज, तो अब लिखो बस दो चीजें और बाकी है, सी वी फॉर सॉलिड्स, तो तुम मुझे बताओ सॉलिड लिक्विड और गैसेस में क्या अंतर होता है, मुझे बताओ सॉलिड लिक्विड और गैसेस में क्या अंतर होता है। देखो लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह पे हिल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, पर सॉलिड में आपका जो पार्टिकल होता है ना वो फिक्स होता है, होता है, तुम मुझे बताओ, तुम सब नाइन्थ क्लास से पढ़ रहे हो कि भाई सॉलिड में क्या होता है, अपनी जगह पार्टिकल फिक्स होता है कि नहीं होता है, आप मुझे बताओ, तो मतलब पार्टिकल ना चल सकता है ना घूम सकता है, दोनों ही नहीं कर सकता। तो देखो सॉलिड्स में आपका पार्टिकल खाली क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, तो सॉलिड्स ओनली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सॉलिड्स में पता है खाली कौन सी होती है, सॉलिड्स में खाली आपकी कौन सी होती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, कौन सी, वाइब्रेट करने वाली। ठीक है,
और तुम मुझे बताओ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो सी वी कितना होता है, एफ अपॉन टू आर होता है, तो 6/2 R, तो ये कितना आ गया, 3 R। तो मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ सॉलिड्स में कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वाइब्रेशनल, कितने होते हैं, 6 होते हैं, सी वी क्या हो जाएगा, 3 R। यहाँ पे सीपी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सीपी निकालने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, गामा निकालने का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं, कोई गैस तो नहीं है, सॉलिड की बात कर रहे हैं। लिख लो अपनी कॉपी में कि सॉलिड्स में खाली कौन से होते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने होते हैं, 6, तो सी वी हो जाएगा 3 R। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक लिख लो आज का, लिखो अपनी कॉपी में सी वी फॉर वाटर इन सॉलिड स्टेट। और वाटर इन सॉलिड स्टेट क्या होता है, आइस होता है, तुम मुझे बताओ वाटर क्या होता है, H2O होता है, HOH। अब सॉलिड है तो मैंने तुम्हें क्या बताया, सॉलिड में किसी भी पार्टिकल के कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वाइब्रेशनल, कितने हो सकते हैं, 6, तो इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 6 + 6 + 6 = 18, तो सी वी कितना होता है, एफ अपॉन टू आर, 18/2 R, ये कितना आ जाएगा, 9 R, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आसपास है। तो कोई तुम्हें पूछेगी बताओ वाटर का सॉलिड स्टेट में मतलब आइस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 18, क्योंकि H2O सॉलिड है, मतलब हर पार्टिकल के 6 6 6, तो 6 3 कितना हो गया, 18, और CV क्या होता है, F/2 R, 18/2 R कितना हो गया, 9 R, R कितना होता है, 8.314, तो ये आ गया आपका CV, कितना आ गया, 9 R, लिख लो अपनी कॉपी में। देख लो वैसे एक लास्ट चीज और बाकी है, फिर इस चैप्टर में खाली एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है मीन फ्री पाथ, जो तुम मिलोगे तभी तुम्हें बता दूंगा मैं परसों या जब भी, है ना, और फिर अपन चालू करेंगे अपना सिलेबस का लास्ट यूनिट जिसका नाम है ऑसिलेशन इन वेव्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो सब कुछ, तो लिख लो अपनी कॉपी में लास्ट टॉपिक आज का, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वॉट विल हैपन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल इंक्रीज। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, टेम्परेचर पे। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस, और याद रखना एट टेम्परेचर इक्वल टू 0 Kelvin डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 0। तो कोई तुम्हें पूछेगी बताओ क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 भी हो सकते हैं, देखो 0 Kelvin ऐसा टेम्परेचर है जब दुनिया में सब कुछ बंद हो जाता है, ना कोई चलता है, ना कोई घूमता है, ना कोई वाइब्रेट करता है, जब कुछ नहीं होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितने हो गए, 0, तो टेम्परेचर 0 Kelvin। तो कोई तुम्हें पूछेगी क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो सकते हैं, हाँ, कब, 0 Kelvin पे। देख लो अपनी कॉपी में, ठीक है, चलो ओके यार, ठीक है, जो भी मेरा टेस्ट रिजल्ट होगा आई शेयर विथ यू, और होप से तो अपन परसों ऑफलाइन क्लास ही कंटिन्यू करेंगे, इसको ऑनलाइन आना है मुझे बता देना, ऑनलाइन क्लास भी चलती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके यार, बाय बाय यार। हाँ, ये PPT भेज दूंगा मैं तुम्हें।